चलिए अब बात करते हैं आपके फेवरेट बिग बॉस के बारे में। क्या जी आप जाने वाली हैं बिग बॉस हाउस में? वेल, अगर मैं जाने वाली हूँ तो भी आपको क्यों बताऊँ। सिंपल सी चीज है, क्योंकि मैं आपसे पूछ रही हूँ। अभी फिलहाल तो नहीं, बट यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। बिग बॉस का घर बिग बॉस का घर है, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी खबरें थी कि वाइल्ड कार्ड एंट्री में अक्षरा सिंह जा सकती हैं, इसलिए मैंने पूछा कि ऐसा कुछ है क्या, आप जा रही हैं फिर से? लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, लोगों की इच्छा है कि मैं जाऊं, फैंस चाहते हैं कि मैं जाऊं, यू नो, बट यू नेवर नो, मैं इस विषय पर भी कुछ नहीं कह सकती। अच्छा, बट बिग बॉस को कितना फॉलो कर रहे हैं आप अभी? बिग बॉस फॉलो कर रही हूँ काम के साथ साथ, थोड़ा बहुत यू नो, कभी कभी चूक हो जाती है, लेकिन रेगुलर कोशिश रहती है कि फॉलो करूं। क्या अच्छा लग रहा है आपको इस बार के बिग बॉस में? अभी तो काफी बवाल, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, एक वीआईपी जोन बन गया, फिर कुछ लोग टॉप 5 में गए, वीआईपी में गए, कुछ टॉप 6 बॉटम 6 में रह गए, बहुत सारी चीजें, बहुत नए रूल्स दिख रहे हैं, तो आप अपनी क्या राय देंगे, बिकॉज आप तो एक्सपीरियंस्ड है अभी। मैं राय ये दूंगी, अब जाके थोड़ा बहुत यू नो इंटरेस्टिंग हो रहा है, पर हमारा ओटीटी बहुत बेटर था। अच्छा। बहुत से लोग ना, अक्सर लोगों को सुनते मतलब बोलते मैंने सुना है कि ओटीटीएंस है या ओटीटी है, ओटीटी बेकार है, ओटीटी ये, अरे यार बिग बॉस है, चाहे वो ओटीटी हो चाहे वो टीवी हो, कुछ कुछ भी हो जाए, बिग बॉस अपने आप में बहुत बड़ा शो है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो कुछ भी हो बिग बॉस ही है। तो लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा मच मोर बेटर था और एंटरटेनिंग भी। अच्छा, कभी रश्मि देसाई गई हैं, देवोलीना गई हैं यहाँ पे वाइल्ड कार्ड। अब कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोगों से कि कुछ नया करें, और रश्मि जी तो माहिर है, डेफिनेटली करेंगी। अच्छा अच्छा ओके, टॉप 5 में आप किसे देखती हैं? टॉप 5 तो आ गए ना? नहीं नहीं अभी तो, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें। टॉप 5 ट्रैक वीआईपी में गए थे, टॉप बॉटम 6 6 लोग टॉप बॉटम में गए थे, लेकिन अभी मैं कुछ न्यूज पढ़ रही थी कि वो अभी जो वाइल्ड कार्ड एंट्री वाले लोग गए हैं वो डिसीजन ले सकते हैं कि कौन कौन से लोग वो जो टॉप 6 बॉटम में जो गए हैं उस पे भी चेंजेस आएंगे, बहुत सारे अलग अलग रूल्स हैं। हाँ, तो मैं तेजस्वी, उमर फॉर श्योर, प्रतीक, निशांत, हो गए 5 नाम, हो चार हुए। करण, ओके, करण के लिए बहुत लोग उम्मीद लगा के रखे कि करण बहुत ज्यादा ये पॉसिबिलिटीज है उनको जीतने की। हाँ, जीतने की। हाँ, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, बिग बॉस का घर है। ओके, अक्षरा, बिग बॉस की बात कर रहे हैं तो हमने ये भी नोटिस किया है कि आप इस घर में भले नहीं है लेकिन आपकी चर्चा बहुत है, लोग आपको डिस्कस करते हैं, एंड इनफैक्ट उमर ने ये भी बोला कि ही लाइक्स यू, मतलब क्या चल क्या रहा है, ये बताइए। गॉड, कोई भूत होते हैं अक्षरा का जो बिग बॉस के घर में घूम रहा है? ये सुना मैं बहुत खुश हो गई और मैं ब्लश करने लगी कि उमर लाइक्स मी, और जैसे वो मुझे पसंद करते हैं मैं भी उन्हें बहुत पसंद करती हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि वो मुझे पसंद करते हैं ये जान के। उसके अलावा घर में तेजस्वी हैं या यू नो मेरा भाई निशांत, ये लोग हमेशा जिक्र करते हैं और मेरे स्टाइल में जो डायलॉग बोलते हैं कि हम सबों को देख लेंगे। ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं, तो बिल्कुल, मतलब कुछ तो बात होगी मुझ में, यूं ही सबका जिक्र नहीं होता इतना, कुछ तो नहीं है, लेट मी टेल यू, बहुत कुछ है, बिकॉज़ एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग कि चर्चाएं हैं, आप गूगल करिए, अपना नाम लिखिए और उसके बाद देखिए सर्च में क्या है, अक्षरा ने जैकेट पहना, लोगों ने बोला बस भी करो, इस तरह के टाइटल्स है। ओह,
तो ये बताइए, ये जो आपने जाने से पहले बात किया था और आपने बोला था कि मैं चाहती हूँ कि वो जो एक मुद्दा लेके कि भोजपुरी को रिस्पेक्ट मिले, लोग फॉलो करें, और आपके अंदाज में लोग भोजपुरी में बात कर रहे हैं बिग बॉस 15 में, तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी? एग्जैक्टली. जहाँ आपका, देखिए बिग बॉस एक ऐसा घर है जहाँ बहुत से कलाकार आते हैं और आते और चले जाते हैं, बट मैंने इतने कम समय में इतना बड़ा छाप जो छोड़ के मैं निकली जी. ये एक तरीके से काबिले तारीफ है, मैं अपने आप को ऐसे बोलूंगी. वेल डन, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट यू. That's nice. तो उमर के अभी आ जाएंगे, उमर घर से बाहर, तो ऑफ कोर्स पार्टी शार्टी होगी. अगर उमर से मुलाकात होगी तो मैं सबसे पहले थैंक यू बोलूंगी. ओके. उमर की काफी तारीफ हो रही है वैसे, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं डेफिनेटली, और वो है काबिले तारीफ है उनकी जो जर्नी है बिग बॉस की, या जो जिस तरीके से वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं. आप कितने वोट्स देंगे अगर चांस मिलेगा, कितने वोट्स देंगे आप उमर पर, कितना अपील करेंगे स्पेशली उमर के लिए? मैं डेफिनेटली अपील करूंगी और कर भी रही हूँ जहां मौका लग रहा है. मैं चाहती हूँ कि वो भी आगे जाएं, वो डिजर्व करते हैं. ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट अक्षरा. थैंक यू.